बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, आधी रात को आँख क्यों खुलती है और 3 से 5 एक ही मखसूस टाइम पर अक्सर औकात क्यों आँख खुल जाती है, और ये कोई बीमारी तो नहीं है, और इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुशखबरी दी है और अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या फरमाता है। नाज़रीन, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई बार हमारी आँख खुल जाती है और इस वजह से हमारी नींद ख़राब हो जाती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में 1 या 2 मरतबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी कोई बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि 3 से 5 के दौरान आपकी आँख अमूमन खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक जाग जाते हैं? हम में से यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, या शायद हमने कभी गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो आपको उस वक्त नींद से जगाता है, और वो कौन सी वजह है जिससे आप रात के इस मखसूस वक्त में जाग जाते हैं, कौन आपको उस वक्त बार बार पुकार रहा होता है। इसकी वजह इतनी हसीन और ख़ूबसूरत है कि जब आप ये जान जाएंगे तो आप बेख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हानिया इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक मालूमात से मुतल्लिक बहुत सी मालूमात मिलेंगी। नाज़रीन, दुनिया में हर अमीर और गरीब, नेक और बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों, गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है, और दुनिया मुसीबतों, गमों और परेशानियों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग माल और ज़र के ख़त्म हो जाने की वजह से परेशान हैं, यानी इंसान किसी न किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता रहता है, और इन ज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हर रात एक मखसूस वक्त में, यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं। ये सूरत हाल बहुत कम लोगों के साथ पेश आती है कि यानी एक ही टाइम पर हर रोज़ आपकी आँख खुल जाती है और आपने गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा हो तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए? तो चलें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर आपको अहदीस और जदीद साइंस की रोशनी में बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात को 3 से 5 बजे के दौरान अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं तो आप किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं हैं, बल्कि एक खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि इन लम्हों के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाज़े पूरी तरह से खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा बुज़ुर्ग और बरतर परवरदिगार हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, कोई है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसकी मतलूबा चीज़ उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ? है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूँ? है कोई साइल जिसे मैं अता करूं, यहाँ तक कि सुबह का सूरज तुलू हो जाता है? इसी तरह से एक और अहदीस मुबारक है, हज़रत अबू सईद खदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तवफ़ुक करता है यहाँ तक कि एक तिहाई रात गुजर जाती है तो आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई मगफ़िरत का तलबगार, मैं उसकी मगफ़िरत कर दूँ? है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूँ? और है कोई साइल कि मैं उसे अता कर दूँ? और है कोई दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूँ? हत्ता के सूरज तुलू हो जाता है। नाज़रीन, इन अहदीस का मकसद ये है कि आपको इन कीमती वक्त की अहमियत बताना है।
कि ये जो वक्त है ये कितनी अहमियत का हामिल है। हमारा परवरदिगार खुद आवाज़ देता है, मांग लो मुझसे जो भी मांगना है इस वक्त। अगर आपकी आँख 3 से 5 बजे के दौरान खुल जाती है तो फौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए जो मांगना है मांग लें। और इन फरामीन का हम साइंसी फ़ायदा भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज़ में साइंसी वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ हम साइंस की वजह भी बताएंगे कि साइंस इसके पीछे क्या कहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रात में उठे, वज़ू करे और नमाज़ पढ़े और अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह मुझको बख्श दे, तो उसकी दुआ कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद है नमाज़ तहज्जुद। सैयदना अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता हो, यानी कोई अच्छा ख्वाब देखे, तो वो अल्लाह की तरफ से है, इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ ख्वाब में देखे जिसे वो नापसंद करता हो, यानी कि कोई शैतानी ख्वाब आया हो या बुरा ख्वाब आया हो, तो वो शैतान की तरफ से है, उसके शर से पना मांगे, उसका जिक्र किसी से ना करे, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अक्सर लोग बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और उनकी ताबीरात वगैरह पूछ रहे होते हैं, तो ये बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की ताबीर ना पूछें और जब भी रात को आँख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन फरामीन पे ज़रूर अमल करें। अपने रब से अपने लिए दुआएं मांगें, जो भी मांगना है मांग लें। दिल का सुकून, रिज्क, जायज़ हाजात और औलाद के हक में मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। अगर आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही 2 से 5 मिनट के लिए अल्लाह ताला से अपने ऊपर रहमत की दुआ मांगें और इस मुकद्दस लम्हे से फ़ायदा उठाएं। इस वक्त आपको बार बार पुकारा जाता है कि ऐ इंसान, कि आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उसको पहचानो, उसे पूरा करो। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की एक सिफत बयान की है कि वो रात के वक्त थोड़ा अरसा सोया करते थे और रात के आखिरी हिस्से में मगफिरत की दुआ किया करते थे। नाज़रीन, हर चीज़ के पैदा होने का और परवरिश पाने का एक ख़ास मौसम होता है। हरियाली और खूबसूरती मौसम बहार में देखने को मिलती है। इसी तरह चाँद 29 दिन के साइकिल के बाद फिर से नुज़ूल लेना शुरू कर देता है। इसी तरह रात को 3 से 5 बजे के दौरान रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है। अल्लाह ताला की रहमतों के नुज़ूल का वक्त होता है और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करे। उस वक्त रब्बे कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब होता है और उस लम्हे की फजीलत सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब साइंटिफिक थ्योरी बयान कर चुके हैं। और साइंसदानों ने बहुत रिसर्च के बाद लोगों को इस बात से आगाह किया है कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम एक्सरसाइज करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। और जदीद साइंसी तहकीकात भी यही कहती हैं कि नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, उसके हर रुकन के अलग अलग फ़वाद हैं। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो हुक्म दिया, आज अरबों रुपए खर्च करके साइंस उसको सच साबित करने लगी है। अगर आपकी रात के वक्त इस लम्हे आँख खुलती है तो ज़रूर उठिए, वज़ू कीजिए और चंद रकत नमाज पढ़ें, जिससे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और सजदा करते वक्त जब आप नीचे को झुकते हैं तो दिमाग को ज़्यादा खून मिलता है। सजदे की हालत में बंदा मोमिन के लिए अल्लाह की बंदगी के हवाले से बेहतरीन हालत में है और यही दुआ के लिए बेहतरीन मौका है। और ऐसा क्यों ना हो, एक मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजजी और पस्ती को इख्तियार करते हुए अपनी पेशानी को झुकाना और रब के सामने सर को रख देना बहुत महबूब होता है और उसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतरीन से नवाजता है और अपने कुर्ब का शर्फ बख्शता है। तहज्जुद के बारे में हक़ ताला का इरशाद है और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो, जो कि हक़ के जायद चीज़ है। क्या अजब है कि आपका रब आपको मुकाम महमूद में जगह दे। मुकाम महमूद मुकाम शफात कुबरा है, जिस पर कयामत के दिन फ़ाइज़ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश करवाएंगे। मस्कुरा इशात की रोशनी में मुसलमानों को चाहिए कि आधी रात को जिस वक्त भी आँख खुले उठ जाएं, वज़ू करें, 2, 4, 6, 8 रकातें जितनी आसानी से पढ़ सकें पढ़ लें, तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। याद रहे कि तहज्जुद के लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं, जो सूरतें याद हों पढ़ लिया करें। अल्लाह हम सबको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा कल्ला वगैरह।